हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने जड़ के बारे में पढ़ा था। पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग जड़ और उसके प्रकार आपने जाने थे। आपको मैंने बताया था कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड एडवांटियस रूट। और आपको मैंने बताया था कि मूसला जड़ें सख्त जड़ें होती हैं, क्योंकि मूसला जड़ों का निर्माण बीज के मूलांकुर से होता है, जबकि अपस्थानिक जड़ें सहारा प्रदान करने के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए पौधे के किसी भी भाग से निकलती हैं या वृद्धि करती हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने जा रहा है। आज आपको समझना है मूसला जड़ों के रूपांतरण। मूसला जड़ें भी रूपांतरित हो जाती हैं भोजन के संचय करने के लिए। बेटा भोजन का संचय, आपने गाजर खाई होगी, आपने मूली खाई होगी, आप कंदमूल फल खाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वन में श्री राम जी कंदमूल फल खाते थे। आज जानते हैं क्या है, क्यों लिया, आप शलजम क्यों खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाजर मूली शलजम और कंदमूल में हमें फूड मिलेगा। तो फूड किस लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें फूड स्टोर है। गाजर मूली शलजम और कंदमूल, ये किसका रूपांतरण है, ये बेटा आपका मूसला जड़ों का रूपांतरण है। मूसला जड़ें भोजन को ग्रहण करके, भोजन को स्टोर करके अपने आकार को बदल लेती हैं। इसे ही बोलते हैं मूसला जड़ों का रूपांतरण। इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी, लिख लीजिएगा कि मूसला जड़ें भोजन को स्टोर कर लेती हैं, भोजन का संचय कर लेती हैं, जिस कारण वे फूल जाती हैं और यह उनका आकार बदल जाता है। और इस प्रकार से उनके रूपांतरण को मूसला जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि मूसला जड़ों में रूपांतरण कितने प्रकार से पाया गया। तो बच्चों मूसला जड़ों में रूपांतरण प्रमुख चार प्रकार से पाया गया। पहला जो रूपांतरण है उसे बोलते हैं हम शंख रूप। एक शंख रूप, कुंभी रूप, तर्प रूप और कंद रूप। कॉनिकल, नेपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म एंड ट्यूबरस। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि सब शंख रूप, कुंभी रूप, तर्प रूप और कंद रूप, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में मूसला जड़े ही हैं। मतलब अगर हम बात करें कि सर इस आपको ऑप्शन में दे दिए गए हों, चार प्रकार की जड़ें दी गई हों और ऑप्शन में पूछा जाए, उसमें अगर इसमें से एक ऑप्शन दिया हो और पूछा जाए कि इनमें से मूसला जड़ का प्रकार है कोई एक दिया हो, तो आप इनमें से चुनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मूसला जड़ें भोजन को संचय करने के कारण, आप देख सकते हैं कि भोजन के संचय के कारण मूसला जड़ें रूपांतरित हो जाती है। और रूपांतरित किसमें हो जाती है, शंख रूप, कुंभी रूप, तर्प रूप और कंद रूप। ठीक है, देखिए बड़ा शंख रूप का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, गाजर है। शंख रूप का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपका गाजर। ठीक, कुंभी रूप का एग्जांपल क्या है बेटा, कुंभी रूप का एग्जांपल आपका है शलजम। ठीक, तर्प रूप का एग्जांपल क्या है, मूली। और कंद रूप का एग्जांपल क्या है, कंदमूल। ये एग्जांपल है। अगर आपसे पूछे कि शंख रूप का उदाहरण दे, तो आपके सामने आंसर क्या होना चाहिए, गाजर। पूछे कुंभी रूप, शलजम। देखिए शंख रूप में क्या हो रहा है कि जड़ एक शंकु का आकार ग्रहण कर रही है, ऊपर से नीचे तक सिलेंड्रिकल है, इसीलिए इसको बोलते हैं शंकु रूप। कुंभी रूप में देखो आप घड़े जैसा आकार बना रही है। कुंभी रूप का आकार कैसा होता है, घड़े जैसा होता है, इसे बोलते हैं कुंभी रूप। तर्प रूप का कोई एक लिमिटेड शेप नहीं होता, आप देखते हो मूली का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन हम लंबी सी होती है, फ्यूजीफॉर्म, उसे बोलते हैं तर्प रूप। और ये आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये कंदमूल, काफी मोटा सा निकलता है नीचे पोर्शन, उसे बोलते हैं कंदमूल। ठीक, और इन सभी में भोजन की मात्रा होती है, मतलब इन सभी में स्टार्च का जमाव होता है, और स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसी स्टार्च के जमाव के कारण जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मूसला जड़ों का रूपांतरण। चलिए अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात करनी है। अब हम बेटा बात करेंगे मूसला जड़ के प्रमुख कितने भाग होते हैं, या जड़ के कितने भाग होते हैं। ध्यान देना, अब हम बात करेंगे यहां पर जड़ के प्रमुख भाग।
जड़ के प्रमुख भाग, किस जड़ के, मूसला जड़ के प्रमुख भाग। बेटा हमने एक मूसला जड़ को प्रमुख कितने भागों में बांटा है? ध्यान देने वाली बात है कि सर किसी मूसला जड़ को हम प्रमुख कितने भागों में बांट सकते हैं, किसी मूसला जड़ को हम प्रमुख कितने भागों में बांट सकते हैं। हम अब बांट यहां पर जो बात होने जा रही है वो किसकी बात है, मूसला जड़ के प्रमुख भाग। तो देखो बेटा मूसला जड़ के प्रमुख चार भाग होते हैं। सबसे पहला भाग हमारा होता है रूट कैप। सबसे पहला भाग हमारा कौन सा है यहां पर, सबसे पहला बेटा भाग हमारा है रूट कैप। इसके बाद हमारा भाग आता है, इसे बोलते हैं जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। फिर बेटा हमारा भाग आता है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। और लास्ट बेटा हमारा पोर्शन आता है, उसे बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन। बात समझ में आई, इसे बोलते हैं मूल गोप। ये किसकी बात हो रही है, ये बेटा अपस्थानी जड़ की बात नहीं हो रही, यहां पर मूसला जड़ की बात हो रही है। मूसला जड़ के प्रमुख चार भाग है, मतलब अगर आपसे कोई बात करे कि भैया मूसला जड़ के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं, मूसला जड़ के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं या कितने भाग होते हैं, तो आप बताओगे भैया प्रमुख चार भाग होते हैं। सबसे पहला वाला भाग, सबसे आगे का भाग होता है, उसे बोलते हैं रूट कैप, मूल गोप। इसके बाद में आता है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, मतलब कोशिका निर्माण प्रदेश। फिर बेटा आपका आता है कोशिका विवर्धन प्रदेश। फिर आता है कोशिका परिपक्वन प्रदेश। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहां पर बेटा क्या बताया आपको, हमने बेटा आपको यहां पर बताया है मूसला जड़ के प्रमुख कितने भाग होते हैं। तो बेटा मूसला जड़ के प्रमुख कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है रूट कैप, फिर भाग हमारा आता है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, फिर आता है जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन, फिर आता है जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। क्या मतलब है बेटा इसका, तो जड़ का आप ऐसे देखिए कि हमने कहा एक जड़ है, ऐसे देखिए ये एक जड़ है ठीक। तो आगे वाला ये हिस्सा, ये कौन सा है, ये रूट कैप हो गया, रूट कैप। इसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया, ये कौन सा हो गया, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। फिर बेटा ये कौन सा हिस्सा हो गया, जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। और लास्ट जो पोर्शन है ये हमारा कौन सा हो गया, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। आप ऐसे जब देखेंगे तो समझेंगे जड़ है, मतलब जड़ का सबसे लास्ट पोर्शन होता है रूट कैप, उसके आगे का पोर्शन होता है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, कोशिका निर्माण प्रदेश, कोशिका विवर्धन प्रदेश, कोशिका परिपक्वन प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या मतलब क्या है, कारण क्या है इसका। देखिए बेटा रूट में सबसे आगे पोर्शन होता है उसे बोलते हैं मूल गोप। काम क्या है इसका, मूल गोप देखिए कोशिका निर्माण प्रदेश, यहां पर कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और जड़ जमीन में जाती है, अगर वो किसी चीज से टकराएगी तो जो कोशिका निर्माण प्रदेश है ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और जब कोशिका निर्माण प्रदेश क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, इसीलिए कोशिका निर्माण प्रदेश को सुरक्षा देता है। तो मूल गोप का काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। मूल गोप का काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा देता है, कोशिका निर्माण प्रदेश को। मूल गोप एक टोपी नुमा रचना होती है, जड़ के सबसे अगले हिस्से पर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा कोशिका निर्माण प्रदेश में जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उनको सुरक्षा देना। अब बात करते हैं सर ये आपका हो गया रूट कैप। इस तरीके से सर जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन क्या है, तो बेटा जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन में न्यूली सेल्स फॉर्म होती है, मतलब नई नई कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल लिविंग सेल्स, बहुत ही नई नई कोशिकाएं बनती हैं, ये आपका इस तरीके से बेटा जो नई कोशिकाएं जहां बनती हैं जिस प्रदेश में, उस प्रदेश को बोलते हैं हम कोशिका निर्माण प्रदेश। मतलब कोशिकाओं का निर्माण जहां होता है, जहां पर स्मॉल सेल्स
न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो बेटा आपका होता है कोशिका निर्माण प्रदेश। इसका मतलब ये जो मैंने पोर्शन बनाया ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका कोशिका निर्माण प्रदेश हो गया। अब यहां पर नई नई कोशिकाएं बेटा बनती हैं। अब जब ये नई कोशिकाएं बनेगी, देखिए बेटा कोई छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ वो बड़ा होगा और बड़ा होगा इसके बाद वो विकसित होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, पायलट बनेगा। ऐसे ही सबसे पहले सेल्स का फॉर्मेशन कहां से होना स्टार्ट हुआ, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन से स्टार्ट होना इसका शुरू हुआ सेल्स का। अब जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन मतलब कोशिका निर्माण प्रदेश में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, इसके बाद वो कोशिकाएं बड़ी होती हैं और जिस क्षेत्र में बड़ी होती हैं, बनने वाली नई कोशिकाएं जिस क्षेत्र में बड़ी होती हैं उस क्षेत्र को बेटा बोलते हैं कोशिका विवर्धन प्रदेश। मतलब यहां पर अब सेल इलांगेटेड होने लगेंगी, यहां पर ये जो सेल्स हैं ये अपने आकार में अब वृद्धि करने लगेंगी और ये लार्ज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये अब यहां पर सेल्स क्या हो रही हैं, अब यहां पर बेटा ये सेल्स लार्ज होने लगे। ठीक, यहां पर ये सेल्स बेटा आपकी ये लार्ज होने लगे। ये तो ये बेटा जो प्रदेश था ये कौन सा प्रदेश था, ये कोशिका विवर्धन प्रदेश। मतलब यहां पर कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। मतलब कोशिका विवर्धन प्रदेश में क्या होता है, इसमें कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं, आकार में वृद्धि करती हैं। आइए बात समझ में, तो कोशिका विवर्धन प्रदेश में कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं और कोशिका निर्माण प्रदेश में नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। बात समझ में आई। और कोशिका परिपक्व प्रदेश में कोशिकाएं अपने अपने कार्यों के लिए क्या हो जाती हैं बेटा, परिपक्व हो जाती हैं। ठीक, यहां पर कोशिकाएं बिल्कुल, यहां पर जो कोशिकाएं हैं कोशिका परिपक्व प्रदेश में कोशिकाएं पूर्ण रूप से, कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। कोशिकाएं पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं बेटा, परिपक्व हो जाती हैं। कोशिका परिपक्व प्रदेश में कोशिकाएं पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। और देखिए कोशिका परिपक्व प्रदेश के बाद यहां से जो कोशिका का जो उपचर्म होता है, मतलब कोशिका की जो बाहरी परत होती है, जड़ की जो बाहरी परत होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लेमा। बात समझना, जड़ की जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं एपिग्लेमा, और इसी एपिग्लेमा से ये पतले पतले रूट हेयर यहां निकलने लगते हैं। ये रूट हेयर ये आपके यहां बन जाते हैं मूल रोम। क्या बन जाते हैं ये, मूल रोम। और रूट हेयर का प्रमुख कार्य क्या था मूल रोमों का, मूल रोम का प्रमुख काम क्या है, जल का अवशोषण, जल और खनिजों का अवशोषण, जल और खनिजों का अवशोषण। इतनी बात समझ में आई आपको, जल और खनिजों का अवशोषण किसमें होता है, मूल रोम से होता है। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि मूसना जड़ का पहला भाग होता है रूट कैप, इसके बाद वाला भाग होता है जोनल सेल फॉर्मेशन। हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं बेटा, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। रूट कैप, जोनल सेल फॉर्मेशन, जोनल सेल इलॉन्गेशन, जोनल सेल मैचुरेशन, इसके बाद में रूट हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हम अपस्थानिक जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अब अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण और उसके उदाहरण। बस यहीं से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम दे दिया जाता है और उसका एग्जांपल पूछ दिया जाता है। देखिए समझिए, हमने बताया था कि अपस्थानिक जड़ें पौधों में बीज से नहीं निकलती हैं, पौधे के किसी भी अन्य भाग से निकलती हैं। ऐसी जड़ें जो बीज से ना निकल करके पौधे के किसी भी अन्य भाग से निकलती हैं, विकसित होती हैं, उन्हें हम बेटा अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। देखते हैं बेटा अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण कितने प्रकार से हैं। तो देखिए बेटा कंद कुछ एग्जांपल क्या है इसका, शकरकंद है। रेशेदार जड़ें, आप देखते हैं कि एक बीजपत्री पौधों को जब उखाड़ते हैं तो आपको कई सारे रेशेदार ऐसे नीचे गुच्छा जैसा दिखाई पड़ता है, तो वहां पर रेशेदार जड़ें होते हैं। ठीक है ना, ऐसे गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं नीचे एक बीजपत्री पौधों में, तो उसे बोलते हैं रेशेदार। प्लांट है, नीचे गुच्छा बना लेते हैं इस तरीके का, तो ये हो गई रेशेदार जड़ें। ठीक, एग्जांपल आप गेहूं बता सकते हैं, उखाड़ो उसको आप तो देखिए नीचे कई सारा रेशा दिखाई पड़ता है, रेशेदार जड़ें। ग्रंथिमय, मेलिनोट्स किसका एग्जांपल है, ग्रंथिमय जड़ों का। मणिरूपाकार, बीटेड वाइटिस। जटामूल, मक्का। उपरेरोई जड़ें, आर्किड। पर्णी जड़ें, ब्रायोफिल्लम। देखिए पर्णी जड़ें इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि
पर्णी जड़ें क्या होती हैं, तो पत्तियों से जो जड़ें निकल आए, आप देखना कि एक पौधा होता है अजूबा, उस पौधे में क्या होता है, ऐसी पत्ती होती है और उस ये पत्ती होती है अजूबा की इस तरीके से बेटा, काफी फ्लसी होती है, मांसल पत्ती होती है और यहां से ऐसे कलिकाएं निकलती हैं और इसमें जड़ें भी पाई जाती हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है, अजूबा का पौधा है, अजूबा बोलो इसको ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं। तो यहाँ पर पर्णी जड़ें मिलती हैं, ब्रायोफिल्लम। अब बात करते हैं सर परजीवी जड़ें। देखिए बहुत से पौधे होते हैं जो परजीवी होते हैं और उनमें चूसक पाए जाते हैं, तो कुछ जड़ें चूसक का काम करती हैं, मतलब किसी दूसरे पौधे से लिपट जाएंगी और उस चूसक को उस पौधे में एंटर करा देंगी। मान लीजिए हमने कहा कि ये पौधा है और ये एक दूसरा पौधा है और ये पौधा परजीवी है और ये पौधा अपने चूसक जड़ों को निकालेगा और इस पौधे के तने में प्रवेश करा देगा और इसी से वो अपना भोजन ले लेगा। तो परजीवी जड़ों को बोलते हैं हॉस्टोरियल रूट्स या चूसक जड़ें भी कहते हैं। परजीवी जड़ों को बेटा हम चूसक जड़ें भी कहते हैं, ध्यान देना, इसी को बेटा हम आपको चूसक जड़ें भी कहते हैं। इसका मूल बरगद में देखते हो कि बरगद का जो पेड़ होता है, इसमें आप इस तरीके से देखिए बरगद के पेड़ में काफी घना सा वृक्ष होता है, इस तरीके से बरगद के पेड़ में आप ऐसे लटकते हुए जटाएं देखते हैं, ये तने को सहारा देने के लिए, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बेटा आपके स्तंभ मूल का, प्रॉप रूट। फिर बात करते हैं आरोही जड़ें, चढ़ने में सहायता करती हैं, किसी पौधे को सहारा देकर के चढ़ने में सहायता करती हैं, इसे बोलते हैं आरोही जड़ें। मनी प्लांट का पौधा आप देखिए, मनी प्लांट के पौधे में आरोही जड़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं श्वसन जड़ें, देखिए इसका काम क्या है, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, श्वसन जड़ें क्या होती हैं। तो बेटा कुछ पौधे होते हैं जो लवण वाले स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं, लवणोद्भिद पौधों को बोलते हैं बेटा हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद पौधे लवण की जहां अधिकता होती है, लवण की अधिकता वाले जल में पाए जाते हैं, अधिकता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदल हो या कोई जल वहां पाए जाएंगे, तो ऐसे पौधों की जड़ें खूंटी जैसी निकल आती हैं ऊपर, खूंटी जैसी ऊपर निकल आती हैं और इन खूंटी जैसी जड़ों को बेटा हम बोलते हैं श्वसन मूल, इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स। कहीं अगर आ जाए कि न्यूमेटोफोर्स क्या है तो भी आप बताओगे रेस्पिरेटरी मूल। कहां पाई जाती है, तो लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती है, जो दलदल में पौधे पाए जाते हैं या बहुत ज्यादा लवण वाले स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें खूंटी की जैसे निकल आती हैं जल से बाहर और वातावरण से गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया, श्वसन जड़ें कहां पाई जाती हैं, लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती है, मैंग्रोव पौधों में पाई जाती है, आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद में बेटा हमारी जड़ आ रही है वलयाकार जड़ें, एनुलेटेड, इसमें ऐसे एक वलय ऐसे बन जाते हैं जड़ों में, वलय जैसे। ये किसमें पाया जाएगा, ये आर्किड, इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्किड। तो आपको समझ में आया होगा, आज हमने पढ़ा मूसला जड़ों के रूपांतरण, मूसला जड़ के प्रमुख भाग और अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण या उसके प्रकार। वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा पढ़ने वाले बच्चों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।